आज मैं नेक्स्ट झारखंड का टॉपिक लेकर के आया हूं, जो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। पाषाण काल। अब सबसे पहले समझिए पाषाण काल किसको बोलते हैं। पाषाण काल के समय जो भी औजारे बनते थे तो पत्थर के बनते थे, उसी को हम लोग पाषाण काल कहते हैं, जिसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज एक्सप्लेन कर रहे हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किससे संबंधित है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा पुरा पाषाण युग। ऐसे पाषाण काल को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पुरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग। लेकिन इसमें आपका आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किससे संबंधित है, तो पूरा पाषाण युग से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड में ताम्र पाषाणी युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु था। बताइए ताम्र का मतलब क्या है? तांबा। ताम्र का मतलब समझना है कि तांबा का युग और साथ ही साथ पत्थर का उपकरण बनते थे, जिसे केंद्र बिंदु माना गया है सीहूम। तो देखिए आज के लिए इतना ही कि एक लूसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसमें लूसेंट में दो क्वेश्चन दिया हुआ है तो दोनों एक्सप्लेन किए। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं तो इतना कम से कम लर्न कर लेना है। तो थैंक यू वेरी मच।